हेलो गाइस, स्वागत है एक नए उन्नति एकेडमी बलवार के चैनल में। मेरा नाम है शुभम गुप्ता। आज हम आपको बताने वाले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और रेशनल नंबर। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो आज हम आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में। तो हमने आपको पहले भी बताया था रेशनल नंबर किसे कहते हैं, नहीं पता तो हम एक बार आपको फिर बता देते हैं। रेशनल नंबर हम उसे कहते हैं ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के फॉर्म में, ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के फॉर्म में, और क्यू है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और ये पी और क्यू है ना वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। आपको हम इंटीजर का भी डिफिनेशन हम बता देते हैं। इंटीजर हम उसे कहते हैं सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम इंटीजर कहते हैं। और हम आपको रेशनल नंबर की डिफिनेशन दे दिए, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज होने वाला है क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो हमारा पहला प्रॉपर्टीज होगा क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो हम इसको आपके एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे। ये है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। ये प्रॉपर्टीज एडिशन में भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी थी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी। तो हम इसको अब बताते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये ऐसा लॉ है जिसको हम कहते हैं अभी, इसमें दो परिमेय संख्या होनी चाहिए, जैसे ए बटे बी तथा सी बटे डी दो परिमेय संख्या है। इसका जो गुणन होगा ना वो भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, सेम टू सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह। मात्र इसमें इंटू होगा तो इसमें प्लस होगा। तो हमने क्या बोला, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज में दो परिमेय संख्या होनी चाहिए, एक ए बटे बी तथा सी बटे डी। इसका जो गुणन होगा ना वो भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ 3/4 है इंटू 5/6। तो हम यहाँ देखते हैं इसका एक एग्जांपल, यहाँ अब इसको सॉल्व करके बताएंगे। ये जो थ्री के मल्टीप्लीकेशन में दोनों आता है, तो दोनों को हम कट कर सकते हैं। ये 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, और ऊपर में कुछ नहीं है, तो यहाँ 1, तो 5 × 5 और 4 × 2 = 8। तो ये देख लीजिए 5/8 परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो पी बटे क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और क्यू है वो जीरो नहीं है, और पी 5/8 एक इंटीजर है। तो हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी वो हमने बता दिया है मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पे। अब हम इसको बताने जा रहे हैं डिवीजन के मेथड पर। तो हम आप इसको बताएंगे डिवीजन के मेथड। सेम भी वही है इसमें, जैसे इसमें संख्या ए बटे बी तथा सी बटे डी, इसमें भी हम यही लेते हैं। अगर इस दोनों में अगर हम भाग करते हैं ना, इसमें भी परिमेय संख्या आनी चाहिए। ए बटे बी तथा सी बटे डी को हम अगर भाग करते हैं ना, तो वो भी एक परिमेय संख्या आना चाहिए। मैं इसका एक आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे ये 4/3 है, इसको हम डिवाइड करें 2/3 से। तो हम जानते हैं इसको, मैं आपको बताया कि इसको अगर हम इसको डिवाइड करके मेरा जितना भी आंसर आएगा ना, तो वो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम इसको देखते हैं सॉल्व करके। 4/3 है, इसको हम इंटू में लाएंगे तो ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ गुना होगा तो 3/2 होगा। ये कट जाएगा, 3 सेम है, 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया है 2। ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर हम पहले बताए थे ये कुछ नहीं है, तो यहाँ इसके नीचे में 1 है। तो ये डिवीजन के भी मेथड पर हो गया है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिया, और सेकेंड प्रॉपर्टीज के आगे हम बढ़ते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज हमारा है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, जिसका हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। आपको ये भी प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थी। ये भी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में भी है। तो हम आप इसको बताएंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, हम उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिसमें इसमें भी अगर दो परिमेय संख्या है, जैसे एक हम मान लेते हैं ए बटे बी तथा सी बटे डी, ये दो परिमेय संख्या है वो जो है इस, हम पहले आपको मल्टीप्लीकेशन का बता रहे हैं। अगर ये दो परिमेय संख्या ए बटे बी इंटू सी बटे डी वो उधर बराबर हो सकता है सी
बटे डी इंटू ए बटे बी। हाँ गाइस, मैंने ये कहा है क्या, इसमें अगर दो परिमेय संख्या ए बटे बी इंटू सी बटे डी वो जो है इक्वल हो जाना चाहिए सी बटे डी और ए बटे बी के, तो हम इसका एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पर ये काम करता है कि नहीं करता। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ जैसे 3 बटे 4 है इंटू 5 बटे 6 वो इक्वल हो जाना चाहिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये बराबर हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए 5 × 6 इंटू 3 बटे 4 के, यही कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी इसका कहना है। और हम अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तब भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, ये कट गया 2 टाइम्स में तो 5 × 8 इक्वल टू 3, ये कट गया 2 साइन से 5 × 8, ये प्रॉपर्टीज इस पर लागू कर जाती है अच्छे से। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑन मल्टीप्लीकेशन पर ये प्रॉपर्टीज काम कर रही है, और इस पर जो अब हम डिवीजन का प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन का था, अब हम डिवीजन का बताने जा रहे हैं। तो डिवीजन में भी यही है, लेकिन डिवीजन में जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी उसका पालन नहीं होता, क्योंकि यहाँ ए बटे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज डिवीजन में ये कहता है, जैसे ए बटे बी एक संख्या है और भागा सी बटे डी है, वो जो है नहीं होगा इक्वल सी बटे डी भागा ए बटे बी की, आप जानते हैं क्यों, इस वो जाकर पलट जाएगा। हम इसका आसान सा उदाहरण लेके आपको बताते हैं, सुन लीजिए बढ़िया से, ये प्रॉपर्टी डिवीजन में क्या कहा गया है, ये जो है इसके इक्वल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, a बटे बी डिवाइड सी बटे डी इज नॉट इक्वल टू सी बटे डी डिवाइड ए बटे बी। हम इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 4/3 डिवाइड 5/6 इज इक्वल टू 5/6 डिवाइड 4/3, ये एक एग्जांपल हमने ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, 4/3 इसको हम मल्टीप्लीकेशन में लाने के लिए इसका हम प्रतिलोम करेंगे, इसका हम अपोजिट करेंगे, तो इसका 6/5 इक्वल टू 5/6, इसको भी हम गुना में लाने के लिए इसका हम उल्टा करेंगे इंटू 3/4, ये देखिए ये हमने थोड़ा सा करा है, आप इसके हम करते हैं तो ये कट गया 2 टाइम्स में 4 × 8/5 इक्वल टू, ये कट गया 2 टाइम्स में तो ये आ गया 5/8, देख लीजिए गाइस ये जो प्रॉपर्टीज है इस पर लागू नहीं होती, डिवीजन पर लागू नहीं होती। मैंने आपके सामने ये प्रॉपर्टीज का एग्जांपल भी लेके क्या, तो ये यहाँ पर उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है उल्टा, तो आप समझ गए होंगे, तो ये जो प्रॉपर्टीज है डिवीजन पर काम नहीं करती है। तो अगला प्रॉपर्टीज पर हम बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टीज होगा हमारे साथ चाहिए का नियम, एसोसिएटिव लॉ। थर्ड जो होगा हमारा एसोसिएटिव लॉ होगा, ये भी प्रॉपर्टीज था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ये भी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। एसोसिएटिव लॉ हमें यह कहता है इसमें 3 परिमेय संख्या होगी, पिछली वीडियो में भी हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी यही कहा था, इसमें भी 3 परिमेय संख्या होगी जो कि गुना करके जो ब्रैकेट में था उसको हम एग्जांपल लेके अभी आपको दिखाएंगे किसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, हम उसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन पर हम बता रहे हैं उसे कहते हैं, इसमें 3 परिमेय संख्या होगी, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं a/b c/d e/f एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हम मान लें ये प्रॉपर्टीज हमें ये कहता है, जैसे कि इसमें 3 परिमेय संख्या a बटे बी इंटू सी बटे डी इंटू ई बटे एफ इज इक्वल टू होना चाहिए a बटे बी इंटू इज इक्वल टू सी बटे डी इंटू ई बटे एफ, ये प्रॉपर्टीज हमें ये कहा, तो सुनिएगा ध्यान से, इसमें 3 परिमेय संख्या होगी, एक होगा a बटे बी, आप जो मानना है मान लीजिएगा, हमने माना है a बटे बी c बटे डी और e बटे एफ, ये 3 परिमेय संख्या माना, इसका जो नियम होगा वो जो a बटे बी इंटू सी बटे डी ब्रैकेट में इंटू e बटे एफ इज इक्वल टू a बटे बी इंटू सी बटे डी इंटू e बटे एफ होना चाहिए ब्रैकेट में,
ये मल्टीप्लिकेशन में काम करती है या नहीं, वैसे तो करती है। हम आपको एक एग्जांपल लेके बता देते हैं, एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए बटे बी को मान लेते हैं 3/4 इंटू 5/6 इंटू 7/8 इज इक्वल टू, हम यहाँ इरेज कर देते हैं, इज इक्वल टू 3/4 यहाँ इंटू होगा 5/6, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, 5/6 इंटू 7/8। ये प्रॉपर्टीज जो है हमने इसे करा है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। वैसे तो आज ही चाहिए, तो पहले हम इधर करते हैं, ये जो है कट जाएगा, 3 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, इसलिए कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये ब्रैकेट में तो 5/8 ये ब्रैकेट से हटा इंटू 7/8 इज इक्वल टू 3/4 इंटू इस दोनों को ऐड कर कर, ये एक दूसरे किसी से भी नहीं कटेगा, तो हम इसे डायरेक्ट ही इंटू कर देते, क्या कर देते इंटू, ये ना किसी से नहीं कट रहा, तो हम इसे डायरेक्ट कर देते इंटू 7/5 = 35/6 = 48 ये आया, इज इक्वल टू रुकिए, हाँ चलिए, ये जो है किसी से नहीं कटा तो आप कर दिए, और ये जो इक्वल होगा 7 ही है जो कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, यहाँ हम करेंगे इसका जो गुना होगा, हाँ ये हो जाएगा 35/88 × 44 = 3/4 × 35/48 ये इससे कटेगा, ये कटेगा 1 × 6 तो ये देख लीजिए आपको दिखाई देगा, तो ये आ गया 35, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, तो 35/64 और यहाँ देखिए ये जो ऊपर में 35 यहाँ कटा है, तो यहाँ 1 होगा, तो इसको इंटू करेंगे इज इक्वल टू 35, और हम जानते हैं 16 × 4 = 64 होता है, क्या होता है 64, देखिए ये जो है बराबर आ चुका है, ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर काम करता है, और देखते हैं आप इससे डिवीजन पर कैसे होता है या नहीं होता। तो हम डिवीजन के बारे में बताएंगे, तो इसमें भी 3 परिमेय संख्या मानिए, वही ए बटे बी मानते हैं, सी बटे डी और ई बटे एफ, तो इसमें भी वही कंडीशन होगा, देखते हैं उस वो लागू करता है या नहीं करता है। तो ये जो होगा ए बटे बी जो है इस डिवाइडेड बाय सी बटे डी ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय ई बटे एफ इज इक्वल टू ए बटे बी डिवाइडेड बाय सी बटे डी डिवाइडेड बाय ई बटे एफ, ये देख लीजिए ये जो हमारा आया है, ये प्रॉपर्टीज हमें ये कहता है कि ये इसमें भी 3 परिमेय संख्या होगी, एक ए बटे आप जो माना है, मान लीजिए हमने ए बटे बी और सी बटे डी और ई बटे एफ माना है, तो इसमें कहा है ए बटे बी डिवाइड सी बटे डी वो ब्रैकेट में रहेगा और डिवाइड ई बटे एफ इज इक्वल टू होना चाहिए ए बटे बी डिवाइड सी बटे डी डिवाइड ये सी बटे डी डिवाइड ई बटे एफ वो ब्रैकेट में होना चाहिए। इसका हम एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, ये जो होता है नहीं ही होता है, ये जो इक्वल नहीं होता क्या होता नहीं होता, हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं इसका, एक एग्जांपल हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 3/4 5/6 डिवाइड 5/6 डिवाइड 7/8 इज इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं, इज इक्वल टू नहीं होगा या नहीं होगा, तो हम करना क्या करते 3/4 डिवाइड 5/6
डिवाइडेड बाय 7 बाय 8। ये हमने एग्जांपल दिया, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं ये सॉल्व होता है या नहीं। वैसे तो ये सॉल्व नहीं हो, सॉल्व तो हो जाए लेकिन हमें इक्वल में नहीं आए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया ये प्रॉपर्टीज डिवीजन में काम नहीं करती है। तो ये भी हम बताते हैं, तो ये 3/4 ब्रैकेट में है, इसको हम इंटू में लाने के लिए, इंटू में लाने के लिए तो इसका हम प्रतिलोम करेंगे, मतलब अपोजिट करेंगे, गुना 6/5 इसको भी अब हम कर सकते हैं, तो 8/7 हो सकता है, लेकिन अभी हम रुके रहने देते हैं। बट 8 इज नॉट इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6, इसको हम बताएं इंटू 8/7। तो यहाँ देखते हैं ये कटेगा नहीं, ये भाई 2 से कटेगा, ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये कटेगा 3 टाइम्स में, इसको हम डिवाइड इंटू करके लिख सकते हैं 9/10 डिवाइडेड बाय 7/8 इज नॉट इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय, ये भी कटेगा 3 टाइम्स, ये कटेगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20/21। तो ये जो नहीं है तब हम और इसको आगे में एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 9/10 हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये गुना करेंगे, डिवाइड को अगर हम गुना में चेंज करेंगे तो ये जो संख्या है इसका हम प्रतिलोम करेंगे, तो हम इसका उल्टा करेंगे, तो हम यहाँ इंटू में करना चाहते हैं, तो 8/7 इज नॉट इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाई 20/21 इज नॉट इक्वल टू, इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो आएगा 21 बाय, गुना में चेंज करेंगे तो 21/20। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए कटेगा 2 से 4 टाइम्स में, ये कटेगा 5 टाइम्स में, इसका जो आएगा इसका आ जाएगा 28/35 इज नॉट इक्वल टू 21/23 ये हो जाएगा 63/80। देख लीजिए नहीं आया, वो जो है इक्वल नहीं आया, तो हमने आपको पहले सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, 9 × 4 इक्वल टू 36 होगा, 63/80। हमने आपको बोला था डिवीजन में ये काम नहीं करेगा, लोग देखिए यहाँ काम नहीं करा, तो ये पूरा जो है इक्वल टू नहीं हुआ। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेक्स्ट होगा। तो हम इसमें अभी आपकी प्रॉपर्टीज बताएं और आप प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में बताएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 18 मिनट का